Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce. In the last class, we were discussing about chapter 7 of accounts, that is depreciation, provisions and reserves. Usme bhi hum padh rahe the ki what are the methods of providing depreciation. So for today, our topic is what are the methods of recording depreciation. Last class, humne padha tha factors on which we provide depreciation, and for today our topic is methods of recording or we can say accounting depreciation. Depreciation क्या होता है आपको तो पता ही है. हम assets पे क्या करते हैं, depreciation charge करते हैं. Asset पे हम depreciation charge करते हैं, asset पे depreciation charge करते हैं. And depreciation क्या है हमारा, depreciation is an expense. Depreciation is an expense. There are two methods of recording depreciation. The first one is depreciation is charged. Depreciation हमने charge किया, that is it is credited to asset account. Journal entry याद करिए, वहाँ के rules याद करिए. Asset, asset है उस पर, asset है, okay? Asset पे हम depreciation charge करते हैं, तो depreciation हमेशा minus, asset का value क्या करेगा, depreciation minus कर देगा. तो जो कॉस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट जो आएगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा. तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है. डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है. एसेट है, एसेट की वैल्यू जब भी डिक्रीज करती है तो हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री का आपको रूल्स याद है, एसेट का वैल्यू जब डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिटेड. एसेट जब इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, जब इंक्रीज करता है तो हम डेबिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिटेड. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेथड है डेप्रिसिएशन इज चार्ज, दैट इज इट इज क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट. डेप्रिसिएशन इज चार्ज, दैट इज इट इज क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट. एसेट अकाउंट को वाई आर वी क्रेडिटिंग, बिकॉज एसेट्स वैल्यू इज डिक्रीजिंग. जब भी एसेट का वैल्यू डिक्रीज करेगा वी आर टू क्रेडिट द अकाउंट, तो हमने क्रेडिट कर लिया. डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है और इस एक्सपेंस को वी आर ट्रांसफरिंग टू पीएल अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते हैं एंड दैट इज ऑन द डेबिट साइड. प्रॉफिट डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, वी आर ट्रांसफरिंग इट टू पीएल अकाउंट, ट्रांसफर करेंगे. टीआरएफ शॉर्ट फॉर्म है आपका ट्रांसफर अकाउंट का, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे वो भी हमारे डेबिट साइड पे. तो डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दैट इज ऑन द डेबिट साइड. अब वी आर फॉलोइंग दिस मेथड, दैट इज डेप्रिसिएशन इज चार्ज, दैट इज क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट. इससे क्या होगा कि हमारा एसेट अकाउंट, एसेट की जो वैल्यू है वो रिटन डाउन वैल्यू होगी. व्हाट डू आई मीन बाय रिटन डाउन वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट लेस डेप्रिसिएशन. And that amount is just we write down on the asset. Asset का जो value होगा वो क्या करते हैं, we are just note down that value. Which value? Asset. Suppose asset is of 80,000. Depreciation हमने charge किया 20,000. Then it comes to 60,000. तो हम क्या show करेंगे, 60,000. 60,000 हम show कर रहे हैं. तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे और इफ़ वी आर फॉलोइंग दिस मेथड, विच मेथड, दैट इज डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, देन वी आर नॉट एबल टू टेल यू कि व्हाट वाज द एक्चुअल अमाउंट ऑन विच वी हैव परचेज द एसेट और द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज चार्ज टिल डेट और प्रोवाइडेड फॉर द ईयर. अगर हम ये मेथड फॉलो करते हैं और हम बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा बैलेंस शीट देख के कि एक्चुअल अमाउंट क्या था एसेट का, एसेट का अमाउंट क्या था, ये पता चला. क्यों नहीं, क्योंकि हमने बैलेंस शीट में तो बस 60,000 शो किया है ना. एसेट का जो वैल्यू था, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट और डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर द ईयर, ये जो अमाउंट थी, दोनों अमाउंट हम बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहे हैं. तो बाई फॉलोइंग दिस मेथड, दैट इज डेप्रिसिएशन इज चार्ज, दैट इज क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट, हम बैलेंस शीट देख के ये नहीं बोल सकते कि एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट क्या था या फिर डेप्रिसिएशन कितना हमने प्रोवाइड किया फॉर द फुल ईयर, फॉर द कंप्लीट ईयर. अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्री क्या है, इन द केस डेप्रिसिएशन इज चार्ज, इट इज क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट. अब जर्नल एंट्री क्या होगी, आप सोचिए,
डेप्रिसिएशन को क्या है, एक्सपेंस है, एंड इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डेबिट साइड. तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन बीइंग एन एक्सपेंस. हम क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट. मैंने डीईपी डॉट लिखा है फॉर डेप्रिसिएशन, टीआरएफ डॉट इज ट्रांसफर्ड एंड पीएल अकाउंट. आई होप आपको ये सब छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म समझ आ रहे होंगे, पीएल अकाउंट. अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एसेट पे, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी. ये हमारा जर्नल एंट्री है फर्स्ट केस के लिए, ये हमारा जर्नल एंट्री है फर्स्ट मेथड के लिए. अब डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द एसेट, तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, एसेट का जर्नल एंट्री क्या होगा जब हम एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट. अब हमने एसेट अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं. एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड, डेप्रिसिएशन बीइंग एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. ये सब हमने पढ़ा है जब हम जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे. आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, इफ नॉट देन प्लीज आप वो वीडियोस देखिए. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तब हम डेबिट करते हैं. नेक्स्ट, टू एसेट अकाउंट, हम क्रेडिट कर रहे हैं एसेट को, क्यों, क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, एंड व्हेन द एसेट वैल्यू इज डिक्रीज वी नीड टू क्रेडिट दैट अकाउंट. तो हमारा जर्नल एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड. Let's move on to the next method. That is, depreciation is credited. CR dot credit. ये तो हमारा credit का short form है. Credited to provision for depreciation account or accumulated depreciation account. Same account है, बस हमारा दो नाम है. First is provision for depreciation, या फिर हम बोल सकते हैं accumulated depreciation account. I hope provision for depreciation account बहुत familiar है, बहुत आपने सुना होगा. You must be knowing this. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, हम क्या करें, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बना रहे हैं, डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं. सेम एसेट की वैल्यू, जब भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं एसेट की वैल्यू डिक्रीज करती है, डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है, एंड इट इज ट्रांसफर टू पी एल अकाउंट, एंड डैट इज ऑन द डेबिट साइड. तो हमारा जर्नल एंट्री होगा पी एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, नरेशन लिखेंगे हम बींग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पी एल अकाउंट. What is the difference between these two methods? The only difference is next वाले जो method है उसमें हम क्या करते हैं, एक अलग सा account बनाते हैं, provision for depreciation account. इसमें हम depreciation का जो amount होता है वो mention करते हैं, वो हम दिखाते हैं. अब जब हम next case में balance sheet बना रहे हैं तो हम क्या करने वाले हैं, balance sheet का format तो आपको याद है ना, balance sheet ये होता है हमारा एसेट साइड और ये होता है हमारा ये होता है हमारा लाइबिलिटी साइड और ये होता है हमारा एसेट साइड. नेक्स्ट केस में अगर हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, एसेट की वैल्यू है 1 लाख, मैंने लिखा 1 लाख, लेस माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वैल्यू है हमारा 20,000, लेस अज्यूम 20,000, कितना आएगा 80,000. तो हमारा जो अमाउंट का कॉलम होगा हम वहां लिखेंगे 80,000. बाई सीइंग दिस बैलेंस शीट यू मस्ट टेल मी दैट व्हाट वाज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द एसेट, व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट. बाई लुकिंग एट दिस बैलेंस शीट वी मस्ट टेल, वी कैन टेल दैट द एसेट वैल्यू वॉज 1 लाख. And the depreciation charge for the complete year, for the full year, was 20,000. तो ये हमारा difference है. First method में we can't, by just looking at the balance sheet, we can't tell कि asset का amount क्या था और depreciation का total amount क्या था which has been charged for the full year. But in the next method, we can just say कि हमारा asset का value कितना है and provision for depreciation total amount कितना था जो हमने उस year में charge किए थे. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड. फर्स्ट में हम क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए, हम डेप्रिसिएशन के लिए कोई एक अलग से अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहे थे. बट इन द नेक्स्ट मेथड
वी आर क्रिएटिंग अ सेपरेट अकाउंट, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं और उसमें हम शो करते हैं. बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो हम शो करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या था और हमारा डेप्रिसिएशन क्या था. तो हमें बहुत ही ईजली हम बता सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है. अब जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री सेम है फॉर ट्रांसफरिंग द डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेप्रिसिएशन दोनों ही मेथड में जर्नल एंट्री फॉर दिस ये कि ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, उसकी जर्नल एंट्री सेम होगी. क्या होगी जर्नल एंट्री? पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. इधर वी फॉलो फर्स्ट मेथड और द सेकेंड मेथड बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री सेम है. क्या है? पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. फॉर द फर्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन एसेट चार्ज्ड, हम क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. इन द फर्स्ट मेथड वी वर राइटिंग दैट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट. मैंने क्या किया था? फर्स्ट मेथड था डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट, तो इसलिए मैंने क्रेडिट भी किया था एसेट अकाउंट को. बट इन द नेक्स्ट मेथड हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वी हैव क्रिएटेड इट, तो हम क्या करें? क्रेडिट क्या करें हम? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली DM कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक अकाउंट है जिसे हम ओपन करते हैं एंड वी उसमें हम क्या शो करते हैं? उसमें हम शो करते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट हैव बीन कैलकुलेटेड फॉर द ईयर. पूरे ईयर के लिए हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाते हैं. तो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू. आवर फर्स्ट डिफरेंस इज इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. डेप्रिसिएशन क्या है? बींग एन एक्सपेंस अकाउंट. मैं आपको बहुत बार बताई हूँ डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है. एक्सपेंस अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इट इज़ अ वैल्यूएशन अकाउंट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है? वैल्यूएशन अकाउंट है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारा, इट ऑलवेज हैज़ अ डेबिट बैलेंस. डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज करते हैं तो हम डेबिट. डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है और वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा तो हम डेबिट बैलेंस, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट का हमेशा ही डेबिट होता है बैलेंस. बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी होता है. इट ऑलवेज हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑलवेज हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा एक टेम्पररी अकाउंट है. क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा टेम्पररी अकाउंट है बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा परमानेंट अकाउंट है. इट इज़ अ परमानेंट अकाउंट. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारा, दिस अकाउंट इज ओपेन व्हेन एन एसेट इज शोन एट इट्स रिटन डाउन वैल्यू. डेप्रिसिएशन अकाउंट हम कब ओपन करते हैं? जब हम एसेट को शो करते हैं रिटन डाउन वैल्यू पे. यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट डू आई मीन बाय रिटन डाउन वैल्यू. रिटन डाउन वैल्यू क्या होता है? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस डेप्रिसिएशन. ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सपोज कीजिए 80,000 था, डेप्रिसिएशन माइनस किया मैंने 20,000, तो ये 60,000 जो है ये है हमारा रिटन डाउन वैल्यू. नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, दिस अकाउंट इज ओपेंड व्हेन एन एसेट इज शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम एसेट को क्या करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाते हैं. बट डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम एसेट को क्या करते हैं? रिटन डाउन वैल्यू पे दिखाते हैं. बस इतना सा डिफरेंस है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके माइनस करके फिर हम दिखाते हैं. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम ऐसा नहीं करते, हम एसेट को भी सेपरेटली शो करते और फिर हमारा जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड होता है ओवर द ईयर पूरा वो राउंड द ईयर का हम वो भी कैलकुलेट करके शो करते हैं. नेक्स्ट है हमारा, दिस अकाउंट इज चार्ज अगेंस्ट द एसेट. ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है इट इज चार्ज अगेंस्ट द एसेट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, दिस अकाउंट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट द एसेट अकाउंट. दिस अकाउंट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट द एसेट अकाउंट.
एसेट अकाउंट के अगेंस्ट में हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को चार्ज नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा, दिस अकाउंट अपीयर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम डेप्रिसिएशन बोल के कुछ भी शो नहीं करते हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दैट इज ऑन द डेबिट साइड। तो हम क्या लिखते हैं, जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बट इन द केस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम क्या करते हैं, दिस अकाउंट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। आपने देखा ना, मैंने अभी बताया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, बट हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं दिखाते हैं, हम डेप्रिसिएशन शो करते हैं बट नॉट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लिखते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंशन नहीं करते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंसेस, देर आर 6 डिफरेंसेस बिटवीन डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। That's all for today. Bye bye, bacho. Keep learning, keep hustling, and don't forget to like, share, and subscribe. And do hit the bell notification icon to get the latest update. Follow Rules of Commerce on Instagram and Facebook too.